हेलो दोस्तों, मैं आपसे स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन मटेरियल पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस व्यासा यानी कि स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान यूनिवर्सिटीज के बारे में। दोस्तों, जो योग से रिलेटेड काफ़ी सारे कोर्सेज प्रोवाइड की जाती है और काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है जो योग से रिलेटेड कोर्स आपको कराती है। इसके सारे कोर्सेज काफ़ी अच्छे और बेसिक लेवल से स्टार्ट होते हैं, यानी कि योग से रिलेटेड अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी रहेगी। दोस्तों, आज हम इस यूनिवर्सिटी के जिस कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है दोस्तों YIC यानी योगा इंस्ट्रक्शन कोर्स। दोस्तों, इस कोर्स के अंदर की अगर हम बात करें कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो ये YIC कोर्स होता है, इसके अंदर जो टॉपिक की हम बात करने वाले हैं, जो टॉपिक इसके अंदर आपको पढ़ाए जाते हैं, कवर कराए जाते हैं, उनमें सबसे पहले दोस्तों आता है ब्रीथिंग टेक्निक, यानी कि जो ब्रीथिंग यानी श्वसन में पर्सुएशन की जो क्रियाएं होती है वो किस तरह से होती है उसके बारे में आपको बताया जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको मेडिटेशन यानी कि ध्यान करने की जो कला है उसके बारे में बताया जाता है, किस तरह से आपको करना है और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। काफ़ी बेसिक लेवल से स्टार्ट होती है क्योंकि काफ़ी प्राचीन यूनिवर्सिटीज़ है, ये प्राचीन लेवल से स्टार्ट करती है, यानी कि जो हमारे योगा का प्राचीन तरीका था जिसमें हम योगा को सिखाते थे या करते थे उस तरीके से आपको इसमें बताती है। उसी के साथ साथ दोस्तों ये आपको शुद्धि क्रियाएं, आसन प्राणायाम आदि की भी कलाओं में कौशल बनाती है, यानी कि इन सभी जो कलाएं यानी कि इन सभी क्रियाओं के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती है ताकि आप एक अच्छे योगा इंस्ट्रक्टर बन सके। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर जो आपकी स्किल इम्प्रूवमेंट होती है वो फिजिकल फिटनेस, फिजिकल स्टेमिना आपका इसमें इंक्रीज होता है, बढ़ता है, आपकी जो मेमोरी पावर होती है वो बढ़ती है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन यानी ध्यान एकाग्रता जो होती है वो बढ़ती है, यानी कि इस कोर्स के ही को करके आपको भी काफ़ी अच्छे से आप काफ़ी अच्छा लगेगा, यानी आप काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव करेंगे, आप काफ़ी अच्छा फिजिकल फिट प्राप्त करेंगे, आप काफ़ी अच्छा आपका फिजिकल फिटनेस होगी, साथ ही साथ आप एक योग असिस्टेंट टीचर या योग का जो एक ट्रेंड होता है, ट्रेनर होता है, वो भी आप इसमें बन सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छे लेवल से आपको इसके अंदर बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इस कोर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आने वाले कुछ टाइम में ही इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी और स्टार्ट भी होगी, जो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था YIC कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ क्या इसकी एलिजिबिलिटी और किस तरह से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि इसके ड्यूरेशन क्या है। दोस्तों, इसकी ड्यूरेशन जो है वो 1 मंथ है, लेकिन अगर आप चाहते हैं आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको आगे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर 3 जो ड्यूरेशन में इसको प्रोवाइड करती है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती थी क्योंकि ये 1 मंथ का कोर्स था। 1 मंथ के कोर्स के अंदर दोस्तों क्या होता कि पर डे 8 घंटे की क्लासेस होती थी, ये जो होती है अब भी होती थी, इसी वजह से कुछ स्टूडेंट को प्रॉपर वो ले नहीं पाते थे क्लास, क्योंकि इसका के अंदर आपको कम से कम 90% आपकी क्लासेस आपको लेनी होगी, तभी आप एक अच्छे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी कि आपका जो लेवल है आपकी स्किल तभी इम्प्रूवमेंट हो पाएगी। तो दोस्तों, इसी के लिए यूनिवर्सिटीज ने इसने काफ़ी अच्छा किया है, इसने इस कोर्स को 2 महीने और 4 महीने के अंदर भी कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि उस 1 मंथ के कोर्स को आप 2 मंथ में और 4 मंथ में आप कर सकते हैं। मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा क्या है। दोस्तों, अगर 1 मंथ की बात करें दोस्तों, तो 1 मंथ में आपकी 8 घंटे क्लासेस होगी पर डे। ठीक है दोस्तों, उसके अंदर जो आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले हैं अप्लाई करने के, वो 15 जून तक उसकी लास्ट डेट होगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 2 मंथ के कोर्सेज में। दोस्तों, मैं आपको एक बार बता दूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, इसके अंदर आप अप्लाई करेंगे वो लिंक होगा, आपको इस यूनिवर्सिटीज़ की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसका लिंक होगा। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ क्या इसकी एलिजिबिलिटी है और उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स कवर किए जाते हैं पर डे टॉपिक वाइज, यानी कि जो प्रैक्टिकल और थ्योरिकल क्लासेस होगी उनके बारे में भी इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि कब कब किस किस टॉपिक को पढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम 2 मंथ के कोर्स की बात कर रहे थे, 2 मंथ में पर डे जो क्लासेज होगी वो 5 घंटे की होगी। ठीक है दोस्तों, उसकी जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 1 जुलाई है, यानी कि 1 जुलाई तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 4 मंथ के इस कोर्स की। तो 4 मंथ में दोस्तों ये कोर्स जो आपको क्लासेस होगी वो सिर्फ सैटरडे और संडे होगी, जो कि 4 घंटे की क्लासेस होगी जो 4 मंथ में होगा। उसके लिए आप 7 अगस्त तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी 7 अगस्त से उसकी जो क्लासेज होगी वो स्टार्ट होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी फ़ीस की। दोस्तों, इसकी जो फीस है वो है 25,000 यानी 25,000 रुपये इस कोर्स की फ़ीस है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि कोविड चल रहा है उसकी वजह से ये कोर्स जो पहले ऑफलाइन भी होता था, लेकिन अब ये ऑनलाइन कोर्स हो रहा है। ऑफलाइन कोर्स के लिए आपको वहाँ जाना होगा और काफ़ी सारी चीज़ें थी वहाँ पे, लेकिन अब इस कोर्स को ऑनलाइन कर दिया है, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अब आपका जो भी टाइम है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और आप ऑनलाइन इस कोर्स को कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा कोर्स है योग के रिलेटेड
फील्ड में, अगर आप योग के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को जरूर करिए। मैं भी आपको ये कहूँगा कि ये काफ़ी अच्छा कोर्स आपके लिए रहेगा जो आपकी लाइफ चेंज मेकर बन सकता है। और इस कोर्स को करने के बाद आप योग से रिलेटेड काफ़ी चीज़ों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। और अगर आप योग में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक स्टेप होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़